सबसे कम पैसे में सुजुकी की अवनिश स्कूटर है और ये सबसे ज़बरदस्त है। इस स्कूटर में एक स्पेशल चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये ओपन है तो इसमें बच्चे कोई भी चीज़ डाल सकते हैं जिससे ये ख़राब होने का डर है। तो यहाँ पर ये बटन दिया गया है, इसको अगर प्रेस करेंगे तो इस तरह से पूरा बंद हो जाएगा। ये सबसे अलग चीज़ है, ये किसी में नहीं आता है। इसका फ्यूल टैंक देख सकते हो, यहाँ से घुमाएंगे ये आपका खुल गया। और ये चीज़ सबसे बेहतर है कि आपको और कहीं से ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप चाबी लगा कर ओपन करके पेट्रोल डलवा के सीधा ऑफ कर सकते हैं इसको। इसका साइलेंसर देख सकते हैं, सबसे स्पोर्ट लुक है। ऐसा साइलेंसर किसी भी स्कूटर में आपको नहीं मिलने वाला है। स्कूटर में आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए कितना बेहतरीन यहाँ पर आपको दिया गया है, देख सकते हो। इसके अंदर मोबाइल चार्ज कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो रख भी सकते हो, ये चीज़ दिया गया है। इसके अंदर आपको TFT वाली LCD मिल जाती है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्शन करके आप जो है इसमें मैप बताएगा रास्ता और कहीं भी आराम से सफर कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजुकी की अवनिश 125 ब्लूटूथ मॉडल का डिस्क ब्रेक का फुल रिव्यू, ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर, सारी डिटेल्स आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर आप फ्रंट का डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको मिलेगा, सबसे ज़बरदस्त फीचर है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो राइड कनेक्ट एडिशन यानी कि ये ब्लूटूथ वाली है, देख सकते हो आप, और एकदम नया मॉडल है। तो यहाँ से हम इग्निशन को ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं, क्या क्या है इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए ब्लूटूथ के साथ बहुत ही गजब का फीचर है। सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है ब्लूटूथ आप कनेक्ट करके बिंदास आप राइड कर सकते हो, बहुत ही गजब का फीचर है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस फ्रंट लुक को देखेंगे, सबसे गजब की चीज़ जो है ये चीज़ पिन ग्लास। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सुजुकी की ब्रांडिंग, इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं इस तरह से, और वो भी ट्रांसपेरेंट ग्लास पर। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, जला के हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए तो ये जो है हीरो जूम से अगर हम बात करें दोस्तों, तो हीरो का जूम जो है वो 110 cc है, बट सुजुकी की अवनिश जो है वो 125 cc के उससे भी पावरफुल आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और मिरर भी देखेंगे तो डुअल टोन में आपको मिलेगा, ये चीज़ काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद यहाँ पर बार एंड भी आपको मिलेगा, ये चीज़ और भी लाजवाब है, देखिए सेफ्टी पर्पज़। तो ये चीज़ हो गया आपका लुक। और यहाँ पर अगर इस पर पोजीशन पर नज़र डालेंगे यहाँ पर, तो आपका नंबर प्लेट लगेगा और ये ग्लॉसी ब्लैक कलर है और ये आपका मेट ब्लैक कलर आपको मिलेगा, इस तरह से आप देख सकते हो, ये चीज़ काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शेप मिलेगा इस तरह से, जो कि काफ़ी अच्छा लुक है। और उसके बाद यहाँ पर फ्रंट की लाइट पर अगर आप देखेंगे तो DRL लाइट के साथ साथ फुल LED हेडलैम्प आपको मिल जाता है, ये चीज़ काफ़ी बेहतर है आज के युग के हिसाब से, क्योंकि हेलोजन बल्ब जो होता है वो थोड़ा बोल्ड लुक होता है, बट ये न्यू लुक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको DRL दो और यहाँ पर आपको हाई लो बीम कर फुल LED हेडलाइट। और यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको इस तरह से डिज़ाइन मिल जाएगी। अब अगर साइड से आप देखोगे तो इस तरह से इसका लुक आएगा, जो कि बहुत ही लाजवाब है। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, इस तरह से आप देख सकते हो। अदर स्कूटर में देखोगे या बाइक में तो ये रिफ्लेक्टर यहाँ पर होता है, बट यहाँ पर दिया गया तो सुजुकी का भाई न्यू लुक अलग ही है। और यहाँ पर साइड पर देखेंगे तो इस तरह से टेक्सचर वाला स्टिकर और राइड कनेक्ट एडिशन लिखा हुआ है, और ये चीज़ जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लुक इसको देता है, इस तरह से बहुत ही लाजवाब। अब ये जो मडगार्ड है ये आपको फाइबर का ही मिलेगा, इस तरह से आप देख सकते हो। फ्रंट पर आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। टायर की अगर हम बात करें तो अलॉय व्हील के साथ साथ ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है 90/90/12 का, ये चीज़ काफ़ी बेहतर है। और डिस्क ब्रेक और टेलीस्कोपिक साकर आपको मिल जाएगा और डिस्क ब्रेक भी मिलेगा, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया। मडगार्ड आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा बहुत ही बेहतर दिया गया है। अब यहाँ से भी अलॉय व्हील आप देख सकते हो, तो एक अलग ही अलॉय व्हील है काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ, MRF का टायर दिया गया है। इंजन गार्ड भी आप देख सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लोर बोर्ड की, तो यहाँ पर आपको अवनिश की ब्रांडिंग यहाँ पर मेटी रखी गई है, देख सकते हो आप, ये चीज़ काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको स्पेस भी मिल जाता है कि आप कोई भी चीज़ आराम से, आपका जो है पैर भी आराम से आ जाएगा, कोई भी चीज़ रख भी सकते हैं, ये चीज़ काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद यहाँ पर साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर दिया गया है। और चलिए हम डैशबोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो फुल आपको डिजिटल मीटर आपको मिल जाता है ब्लूटूथ के साथ, सर्विस इंडिकेटर, सारी चीज़ें नेविगेशन के साथ आपको मिलेगा। इको और पावर मोड का मिलेगा ऑप्शन इसमें, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया। एवरेज पर किलोमीटर यानी कि एवरेज कितना दे रही है ये भी आपको बताएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फ्यूल बताएगा, यहाँ पर आपका फ्यूल और ये आपका हीटिंग का प्रॉब्लम, यहाँ पर आपका जो है स्पीड, ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाइम भी आपको बताया गया, ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो कि बहुत ही कम स्कूटर में आपको देखने को मिलेगा। टाइम भी आपका बताएगा इस तरह से आप देख सकते हैं, सुजुकी का ब्रांडिंग और यहाँ पर आपका इंजन हीटिंग बताएगा और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इंडिकेटर का ये रहा आपका लुक और पासिंग का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें दिया गया है। बहुत ही गजब का यहाँ पर पूरा डे जो है फुल LED वाला TFT LCD स्क्रीन आपको मिलेगी, ये चीज़ बहुत ही बेहतर हुआ है। सुजुकी का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलेगा, यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच और स्टार्टिंग स्विच मिल जाएगा। पूरा डैशबोर्ड बहुत ही गजब का है, हाई लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न, सारे
चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मोबाइल भी आप चार्ज कर सकते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हो लाइट जल रही है, ये देखिए मोबाइल चार्जिंग है और इसके अंदर आप मोबाइल रख भी सकते हैं, ये चीज़ काफ़ी बेहतर है। मोबाइल चार्ज करिए उसके अंदर रख के और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसको बंद भी कर सकते हैं, ये चीज़ काफ़ी बेहतर दिया गया है। अब उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर आप रख सकते हैं, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी जगह यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर आपका इग्निशन है, इग्निशन आपके सामने है और यहाँ पर भी कोई चीज़ होल्डर दिया गया है, टांग सकते हैं और बाकी जगह आपके सामने है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो सीट है ये डुअल टोन में सीट लेदर की मिलेगी, जिस पर अवनिस की बैजिंग मिलेगी, अवनिस की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई, देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही गजब की सीट कवर है और काफ़ी लंबी चौड़ी है, 2 से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इस तरह से सीट आप दे सकते हो। और ये जो डिज़ाइन है देख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ जो है काफ़ी अलग सा किया गया है दोस्तों, यहाँ पर भी होल्डर दिया गया इस तरह, और ये लुक जो है वो काफ़ी गजब का है। फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे पीछे बैठने वालों के लिए, वो भी एलुमिनियम का, और अंदर डाल देंगे देख सकते हैं बिल्कुल अंदर रहेगा, पैर में भी नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अवनिस की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलेगी 3D वाली, ब्लैक कलर की देख सकते हैं, बहुत ही गजब का। और पूरी जो है लुक आप देख सकते हैं इस तरह से, ग्रेब्रिल आपको स्प्लिट में अलग अलग मिलेगा इस तरह से आप देख सकते हो, काफ़ी लाजवाब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लुक, सुजुकी इको परफॉर्मेंस की ब्रांडिंग और कलर और मॉडल आपके सामने है, लाजवाब चीज़ है भाई, ये देखिए काफ़ी गजब की चीज़ बना दिया है भाई सुजुकी ने। और उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस भी सबसे ज़बरदस्त यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपका फ्यूल टैंक है जो कि 5.2 लीटर का है, यहाँ पर आपको मिलेगा 5.2 लीटर, यानी कि 5 लीटर 200 ग्राम यहाँ पर आपका फुल करवाएंगे तो पेट्रोल आएगा, यहीं से बढ़िया दिया गया है फ्यूल का टैंक, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। और पीछे का जो टायर है दोस्तों वो 90-110 का टायर दिया गया है, ये भी अलॉय व्हील के साथ है। और रियर का जो सस्पेंशन है स्विंग आर्म का है। और इंजन की बात करें तो 125 सीसी का इंजन है इसमें, और उसके बाद 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल SOSC 2 वाल पर है, 124.3 सीसी का, 7500 आरपीएम इसका पावर है, टार्क है 5500 दोस्तों, 6750 आरपीएम और 5500 टार्क है। और फ्यूल इंजेक्शन वाली है दोस्तों, किक एंड इलेक्ट्रिक यानी किक और सेल्फ दोनों स्टार्टर मिलेगा, किक आपके सामने है। माइलेज की बात करें तो 50 से 60 के बीच में माइलेज बहुत ही आराम से निकालेगी, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर चाबी लगा के आप सीट भी ओपन कर सकते हैं, चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं कितनी जगह इसके अंदर है। ये है इसकी की, तो यहाँ पर दो हाथ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोस्तों ये सीट नहीं, ये पेट्रोल खुलने वाला है, देख सकते हैं यहाँ से मैंने इस तरह से किया तो ये देखिए फ्यूल टैंक खुल गया, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं 5.2 लीटर का है, और ये फ्यूल टैंक का कैप है, इस तरह से ये ऑफ हो गया, बंद कर दिया इसको, और यहाँ से चाबी निकाल लिया। और उसके बाद अब सीट ओपन करके दिखाते हैं, तो यहाँ से सीट खुलेगा, ये देखिए, ये देखिए टक कैसे करेगा, तो समझ लीजिए सीट आपकी खुल गई। और देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा जगह हेलमेट या मार्केटिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जगह इसमें दी गई है, आप कोई भी चीज़ आराम से रख सकते हैं, देख सकते हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जगह दी गई है, देख सकते हो आप बहुत ही गजब की चीज़ है। और ये रही आपकी सीट, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं ऑफ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अब चलिए हम पीछे आपको दिखाते हैं इसकी पोजीशन। तो यहाँ पर आपको LED वाली टेल लाइट मिलेगी जो कि बहुत ही गजब का दिया गया है, यहाँ पर नंबर प्लेट की लाइट है, यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा। पीछे का फेंडर काफ़ी लंबा चौड़ा दिया गया है, देख सकते हैं आप, इस सेगमेंट में आपको किसी भी स्कूटर में नहीं मिलेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा है, धूल कचरा मिट्टी कभी भी ऊपर नहीं जाने वाला है, और देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और एग्जॉस्ट इसका साइलेंसर आप देख सकते हैं भाई, इसको स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करिए। और यहाँ पर इसका साइलेंसर देखिए तो एक स्पोर्टी लुक दी गई, देख सकते हैं बेस्ट स्पोर्टी स्कूटर है, देख सकते हो आप। और अब आवाज़ इसका आप सुन सकते हैं, और पीछे की अलॉय व्हील आप देख सकते हो, आवाज़ इसके आप सुन सकते हो, बहुत ही गजब का साउंड है 125 सीसी में। और उसके बाद इसका साइलेंसर आप देखोगे तो लुक आप देखिए साइलेंसर का, मॉडल ये बनावट बहुत ही गजब की, यहाँ पर प्यारी चीज़ दे गए, देख सकते हो आप, ये देखिए एक स्पोर्ट लुक दिया गया दोस्तों, जो कि हीरो की स्कूटर चाहे वो प्लेजर प्लस हो, चाहे मेस्टर हो, चाहे जूम हो, कोई इसके टक्कर में नहीं है, आप देख सकते हो सबसे लाजवाब है। अब इसकी जो है ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1,15,000 रुपये है, बस बजट के अंदर है, आपको 125 सीसी मिल रही है, अदर स्कूटर 1,00,000 रुपये लगाएंगे भी तो आपको 110 सीसी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको 125 सीसी मिल रही है, ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।